फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे पहले और दूसरे चैप्टर में जिसमें मैंने पिवट के बारे में बताया था, तो ये मैं पूरी सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें आप एंड टू एंड पिवट टेबल सीख सकते हैं, आप एकदम बिगनर से एकदम एडवांस लेवल का पिवट टेबल सीख सकते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए अपने टॉपिक में मूव होते हैं और पिवट टेबल का चैप्टर 3 सीखते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं हम अपने चैप्टर 3 में जिसमें हम सीख रहे थे पिवट टेबल। अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है उसमें क्लिक करके आप पहले पहला चैप्टर सीखिए, सेकंड चैप्टर देखिए, उसके बाद ये थर्ड चैप्टर में आइए। तो ये थर्ड चैप्टर में हम आज क्या सीखेंगे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रोज में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जितना भी डेटा है मंथ ऑन मंथ बेसिस में है, और यहाँ पे मैंने अपनी सेल्स ट्रैक कर दी है। तो मेरा मंथ आ गया आपके रोज में, सेल्स आ गया आपकी वैल्यूज में, तो कुछ इस प्रकार से हमारा पिवट टेबल दिख रहा है। आप लोगों को पता ही होगा पिवट ने जब जनवरी का टोटल किया तो इसने जितने भी रो में जनवरी था उन सबको कोलेट कर लिया और इसका एक सम बता दिया। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं सेल्स डेटा में गया, सेल्स डेटा में यहाँ जितना भी जनवरी है, मैं फिल्टर लगा देता हूँ, जनवरी सिलेक्ट करता हूँ, जितना भी जनवरी है जनवरी का उसने टोटल कर दिया और हमें सेल्स बता दिया। यहाँ पे 7,13,484 का अमाउंट आ रहा है, तो पिवट टेबल में भी 7,13,484। इसका मतलब जितने भी जनवरी थे उसने सबको मर्ज कर दिया और एक ही में उसने टोटल सेल दिखा दी। सिमिलर केसेस में उसने फरवरी के लिए किया, उसके बाद मार्च के लिए भी, अप्रैल के लिए भी। तो क्या आप जानते हैं आप इसके बाद भी ग्रुपिंग कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये देखिए, जैसे आप जनवरी, फरवरी और मार्च को क्वार्टर वन करना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे? ये भी बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों पिवट टेबल इतना इजी है, इतना आसान है। दैट्स द रीजन मुझे पिवट टेबल सबसे अच्छा लगता है। अगर मुझे ये तीन क्वार्टर वन में दिखाना है तो ये मैं कैसे दिखाऊंगा, जैसे इन तीनों का टोटल एक जगह आ जाए। तो इसके लिए मैं डेटा सेट को सिलेक्ट करूंगा जनवरी, फरवरी और मार्च को, ऊपर जाऊंगा पिवट टेबल टूल्स में, उसमें एनालाइज है। एनालाइज में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आइएगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप सिलेक्शन। तो आप जैसे ही ग्रुप सिलेक्शन को क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ये देखिए इसने सबका ग्रुप बना दिया। बट ओ नीचे देखिए इसने और भी मंथ ऑन मंथ के ग्रुप बना दिए जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका ग्रुप बना है, जो आपने जनवरी, फरवरी और मार्च का ग्रुप बनाया है, उसे F2 प्रेस करके क्वार्टर वन नेम कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा ग्रुप क्वार्टर वन का है। तो मैंने QRT कर दिया, हाइफन दे दिया और एक वन दे दिया, तो ये हमारा ग्रुप क्वार्टर वन का बन गया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई हमारे ये क्वार्टर टू है, उसके बाद कोई नहीं है। तो मैंने अप्रैल भी सिलेक्ट किया, मई भी सिलेक्ट किया, जितना भी डेटा है, फिर से एनालाइज में गया और मैंने ग्रुप सिलेक्शन कर दिया। तो ये देखिए अप्रैल और मई एक ग्रुप के अंदर आ गया। तो मैं इस ग्रुप को F2 प्रेस करता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ QRT-2 में, तो मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारा क्वार्टर वन आ गया, ये हमारा क्वार्टर टू आ गया। जैसे आपने क्वार्टर टू कर दिया है, सिमिलर केसेस में ये हमारा जो नवंबर एंड दिसंबर है ये है क्वार्टर फोर। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, आप सिंपल एनालाइज टैब में जाएंगे, ग्रुप सिलेक्शन कर देंगे तो ये ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसको F2 प्रेस करके आप इसको करेंगे क्वार्टर फोर। तो ये देखिए ये हो चुका है आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वार्टर में कितने की सेल हुई है, सेकंड क्वार्टर में कितने की सेल हुई है एंड फोर्थ क्वार्टर में कितने की सेल हुई है। तो ये इतना इजी है, इतना कन्वीनियंट है। अगर आप लोग पिवट टेबल यूज करेंगे, आप मैक्सिमम जितना ही बड़ा डेटा हो उसको एकदम श्रिंक करके किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल में ये एक और ऑप्शन आता है आपके पास जिसमें हम अपने डेटा को एक के अंदर ग्रुप कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग जाके ट्राई करिए ये शीट। अगर आपको डाउनलोड के लिए चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी चैप्टर 3 को क्लोज करते हैं, इसके बाद हम मूव होंगे चैप्टर 4 में। आप लोग जाके ट्राई करिए और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है,
साथ में ही बेल आइकन है वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्रेस नहीं करेंगे तो ऐसी जो आने वाली और सीरीज होंगी वो सारी आप मिस कर देंगे। तो बेल आइकन प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने कमेंट जरूर देना फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पिवट की सीरीज कैसी लग रही है और क्या क्या इन्हांसमेंट चाहिए इस सीरीज में, आप लोगों को और क्या क्या सीखना है ताकि मैं एक ही सीरीज में सारा कुछ इंप्लीमेंट करके आप लोगों को सिखा पाऊं। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, और हम ऐसे ही सीखते रहेंगे।